वेलकम टू द न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। और नहा धो के रेडी हो चुके, अभी मैं जा रहा हूँ मैगी बनाने। और अपनी बैटरीज मैंने चार्जिंग पे लगाने के लिए रख दिया क्योंकि लो हो चुकी थी। मैगी जो बनाई थी गौतम और मुकुंद के साथ खाऊंगा। और अब मैं आ चुका हूँ। अरे भाई जहर कभी जहर। शनिवार नहीं है, हम कोई भी नियम का प्रोटोकॉल नहीं तोड़ रहे हैं। ये व्लॉग पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है, ये व्लॉग पहले से रिकॉर्डेड है, प्री रिकॉर्डेड है, हम इसको बाद में अपलोड करेंगे बस। और क्या, क्या हम नहीं चाहते कि हम किसी कंट्रोवर्सी में आए और ऐसा करके बैठा दें। और क्या, हम दिल्ली में रहते ही नहीं है, इस वक्त हम हरिद्वार में है। हम गंगा जी के बस पास ही खड़े हैं। बनारस, बनारस में ही है अभी हम। गंगा जी, बनारस, सब गलियां यही हैं। तो चलो मैगी वैगी खाते हैं ना। चलो तो ठीक है, बाकी दिखाएंगे आपको मैगी है। उसके बाद मैगी खोलो जी। खोलेंगे जी, तो अभी मैगी खोल रहे हैं हम। खोलो खोलो, खुल जा सिम सिम। जी मैगी लेके आए हैं और डब्बा पैक जो पैकिंग है, मैं पैकिंग देखना अभी किस नाम की पैकिंग है। ओह बाजी बाजी बाजी, किसी का प्रमोशन नहीं करेंगे जी, ब्रांड प्रमोशन। ब्रांड प्रमोशन हो रहा है जी। प्रमो ब्रांड डब्बा किसी और कंपनी का है लेकिन इसके अंदर मटेरियल हमारा है। ये होममेड, इस वक्त क्या है कि घर की बाहर की चीजें मत खाओ, घर की ही बनी चीजें खाओ। हाँ। तो मैं जी खुद मेरे दिखा, मैं जी खुद बना करके लाए हैं, बता रहा हूँ तो मेरे को सुन है ना। कहाँ डब्बा दिखा रहा है? लॉस्ट इन फ्लेवर का डब्बा है। ओए होए होए, मैगी गर्मा गर्मा देखिए गाइस। ओए होए 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 होए, सिनेमैटिक, ये सिनेमैटिक लिया जा रहा है। ये सिनेमैटिक लिया जा रहा है भाई साहब, ये मजे लिया जा रहा है, ये मजा करा जा रहा है यहां पे। तो मैगी तो भाई साहब मेरे को गारंटी है कि इनको अच्छी लगेगी। फुल हां, एक ये वाली खाएंगे पहले भाई, क्यों इसमें एक मिनट भाई, मैं कोल्ड ड्रिंक तो कोल्ड ड्रिंक मेरी पकड़ो पकड़ो, मैं कोल्ड ड्रिंक डालूं। कोल्ड ड्रिंक डाल। तो मैं जी अपना पैक बनाते हुए, पेप्सी का, और कोई गंदी चीज नहीं है यहाँ पे। झूठ बोल रहा है, पेप्सी है नहीं, कोक है। ओ जी ये डल गई जी, आय हाय हाय, ये डला इसमें अमूल मक्खन। ये डला जी ऊपर से अमूल। ओए 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 ओए, तो जी स्पेशल मसाला डालते हैं, सीक्रेट मसाला। तो जी ये पेप्सी, ये वाली जो पेप्सी अभी मैंने डाली है, ये डलेगी इसके अंदर। सोचो भाई, कोका कोला। और गाइस इस मैगी में इतना खास क्या है कि ये फैंटा भी डली है इस मैगी बनते हुए। फैंटा भी डाला है, कोका कोला का भी मिक्सर है इसके अंदर, स्प्राइट का भी मिक्सर है, हमने सारे ब्रांड मिक्स करके डाल दिए इसके अंदर। इनको लगता था ब्रांड मिक्स करेंगे तो विस्की बन जाएगी, नहीं बनी। कैसा है जी भाई, अगर मैगी खानी हो तो मेरे हाथों की ही खाना। ये तो ठीक ही है, इनके कहने का मतलब है बुराई करनी है क्योंकि दोस्तों की बुराई करती है, बेइज्जती मारेंगे नहीं तो दिन पूरा नहीं होता इनका। हम मिल काम करें। अबे तूने सुना नहीं, अगर तुम्हारी बुराइयां हो रही है इसका मतलब कि तुम कुछ अच्छा कर रहे हो अपनी जिंदगी में। हाँ। कितनी बेकार है वही यार। अच्छा मतलब अगर रेपिस्ट से उसकी बुराई करे तो अच्छा कर रहे हो? ना नहीं भाई साहब, ऐसे देखो इसको टॉपिक चेंज करना है, ये टॉपिक इसी में रहना है, ऐसे गंदे टॉपिक में हम नहीं जाना है। टॉपिक मैगी का है, मैगी रहेगी बस बीच में। अच्छी है, काफी बढ़िया है, सटल टेस्ट है, ना ज्यादा स्पाइस है, हाँ। ना ज्यादा फीकी है, बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट है, जो कि एक मैगी ऑथेंटिकेटेड मैगी का होना चाहिए। वाह। तो भाई साहब कल तो इतनी तेज बारिश, मतलब रात को जो हुई है कि इतनी तेज बादल गर्जे भाई, मेरी नींद खुल गई। पहली बार ऐसा कि मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा कि दिल्ली में कोई क्या होता है। कि मैं मुंबई में हूँ, जिस तरह के बादल, मतलब मुझे तो लगा कि बादल फट जाएगा फट जाएगा। हाँ, मुझे दिल्ली में बहुत तेज, हालत खराब हो गई थी भाई।
भाई साहब पर शायद ही कोई होगा जिसकी नींद ना खुली, नींद ना खुली नहीं। बाकी भाई वैसे भी देख हमारी तो मेरी और अपन तीनों की नींद कच्ची है वैसे, हम जरा सी सोने में तीनों की नींद आई और क्या। और तू क्या बोल रहा था, क्या कह रहा था, जब क्या हुआ था, जब तेरे को क्या लगा? इसको बुरा लगा कि मुझे रात को ये लगा कि मैं तो तीसरी मंजिल पे सो रहा था आराम से, बादल गरज रहे थे, मैं बादल गरजते हुए यही सोच रहा था कि मैं यार झोपड़ी में रह रहे हैं उनको तो ये लगता होगा ना कि जब बारिश होती थी तो रोते होंगे बेचारे कि यार हमारे घर के अंदर झोपड़ी में पानी ना आया, क्योंकि आजू बाजू भी मिट्टी होती है उनके, तो सीमेंटेड तो होता नहीं है उनकी, कितनी वो होती होगी। और बता सोच अगर उनके रोडों पर सोते हैं उनका, सोच उनके कंबल जब गीले हो गए और रातों गीले कंबल झरझरते और उड़ते सो रहे हैं, ये बात तो सही है भगवान, नहीं यार वो बात है जो चीज मतलब ईश्वर ने तुम्हें दिए, तो मैं तो हम अपनी लाइफ में इतना कोसते थे तो मैं ये चीज देख के लगता कि यार कितने वो है अपॉर्चुनिटी हमें कितनी अच्छी मिली हुई है, ये बात तो सही है यार, कितने प्रिविलेज है भगवान ने हमारे को जहाँ रखा हुआ है अभी बहुत अच्छा रखा हुआ है भगवान ने, नहीं तो लोग ही ऐसी ऐसी परीक्षा ले रहे हैं भगवान तो। सबका यार अपना अपना स्ट्रगल है यार, सबकी जिंदगी में अपना अपना स्ट्रगल है, ये भी होता है, वो चीज है उसमें इतना डिटेल्स में जाने, अरे वो नहीं पर जिस तरह के हालात में रह रहे हैं, अबे जानवरों का सोचना बेचारे कल रात में देख ले, मैं तो हमारे अब क्या है कि बारिश होती है अभी कुत्ते बेचारे कहाँ जाए, क्योंकि सपने तो घर कर लिए, सर्दियां है घर गेट बंद सब डबल बंद, घर में सब गेट भी खुले करते थे, चल सही बात है, बारिश होती तो कुत्तों को भी सही लगता घर में, पर सर्दियों में सोच एक तिरपाल पे कुत्ता सो रहा रात भर पूरी बारिश हो रही है वो क्या बोलेगा, और कल रात सोच कल रात इतनी बारिश हुई है मतलब लगातार हो रही है, सब बादल गरे थे, जब जब मैं बीमार होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं तो अपनी बीमारी सबको बता देता हूँ, पर ही जो जानवर है ये तो बात सही है भाई, अगर कितना खुले में है कैसे बताता है लोगों को क्या चीज जब बीमारी मारी होती मतलब देख रहे हो ना बेइज्जती तो जायज है, शेर उतरा तो शेर उतरे क्या मारा, हर इंसान के पास ये लाश वाला बेचता है, लेकिन इंसान एक किडनी पर भी तो जिंदा रह सकता है, किसी पैसे वाले पेशेंट को एक किडनी बेच दूंगा बहुत पैसे आ जाएंगे, फिर एक आंख बेच दूंगा और पैसे आ जाएंगे, मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, देव मानुष निकला तो बापू राव के लिए अपना किडनी बेचे, मैं अपनी किडनी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके किडनी और आंखों की बात कर रहा हूँ, क्या मारा, एक्टर तो हमारे साथ है इस वक्त, मयंक वर्मा जी जो है बहुत बढ़िया डायरेक्टर है और हम बहुत बढ़िया एक्टर हैं, तो जो भी है वैसे अभी अभी रील बनाई है तो मौसम है सुहाना, मौसम नहीं बड़े इन्फ्लुएंसर तुरंत डाल देते जी वीडियो, मौसम है सुहाना, अबे मेरी भी सुन ले, मैं कह रहा हूँ मौसम है सुहाना तो रील है जरूर बनाना या शुक्रवार का दिन है, क्यों सुनते इसके चलो जो भी है शुक्रवार का दिन है, जुमेरात है और बनाई हमने वीडियो एक साथ है, बनाई वीडियो हमने एक साथ है, बहुत बड़ा शेर बोलने जा रहा हूँ गाइस बंद कर दी स्क्रीन इस पे है, अरे आगे क्या है, आगे शेर कैसा लगा दोस्तों आपने व्यूज जल्दी दीजिएगा इस पे, छोटी सी मौत बनती है जी छोटी सी एक मिनट जा रहा हूँ गाइस, अब से हम सिर्फ दो पार्टी करा करेंगे, मयंक और मैं, मुकुंद जो है कूद चुका है, मेरे साथ होते तो एक ही पार्टी करते थे, देखो जी आत्मा आ गई, आत्मा आ गई मुकुंद की आत्मा, हाँ ये देखो चला जाए बेशक इंसान दूर लेकिन उसके बावजूद उसकी यादें रह जाती हैं, उसके बावजूद वो हमें नजर आता है, अरे दादा ये आप लोग वैसे नहीं बार वीडियो में ऐसे होएगा कि साफ है ऑन कैमरा आत्मा आती है, ऑन कैमरा आत्मा आती है नजर कैमरे में, अरे दिखा रहे हैं देखो मुकुंद जो है इस वक्त जा चुका है, ठीक है आप सिर्फ हम ही दोनों रह गए हैं, लेकिन अभी भी मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है कि मुकुंद हमारे आसपास ही कहीं आसपास ही, जैसे हमें देख रहा हो इस वक्त, मेरे को ऐसा लग रहा है कैमरे में ही देख रहा हो हमें हमारी तरह, लेकिन हम दोनों के अलावा यहाँ पे कोई है ही नहीं, है ही नहीं। बताओ जी ऐसे कैसे हो जाता है कई बार, क्या है कि अभी अभी मैं महसूस कर सकता हूँ उसे कि हमारे गालों को छू रहा है यार, इसे तो मैं कहीं और भी महसूस कर सकता हूँ, कैमरा हवा में उठ गया, कैमरा उठ गया, जो भी है मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यार, मौसम के पकोड़े जरूर पकोड़े, अभी इतनी मैगी खाई है मैगी के पकोड़े बनाऊंगा क्या, मैगी के पकोड़े भैया जिस चीज के पकोड़े बनते हैं उसके पकोड़े बनाओ वरना लग जाएंगे, अब भाई ये कांदे प्याज के आलू के तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता था, पकोड़े पकोड़े हाँ तो आपके हाथ में
मैं गलत बिल्कुल नहीं लेना भाई, बिल्कुल भी किसी को नहीं, कुछ नहीं बोल रहे दोस्तों। अगर आप मयंक को लाइक करते हैं, उसका सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज हमें भी कर दिया करो। मयंक को गिफ्ट दीजिए दोस्तों, बर्गर भेजिए इनके घर पे। ज्यादा से ज्यादा मयंक को बर्गर बहुत पसंद है, मयंक बर्गर शाम को बहुत खाता है। बर्गर खाने के बाद इसका अलग ही जो है वो बाकी वेट हो जाता है। तो बाकी बर्गर तो बहुत लाइफ से जुड़ा हुआ है मेरी। आपका एक मीम भी डल लिया जाएगा बर्गर खाते हुए एक बच्चे का, तो आप समझ जाएगा कि क्यों जुड़ा हुआ है लाइफ से। और भाई वैसे जो भी है, मतलब बाहर का खाना सब छोड़ चुके हैं, घर की मैगी बना के लेकर आए थे। बड़ी दुख भरी स्टोरी रहती है मैगी हमारी। पैकेट तो बाहर से लाया था ना। बताओ मैगी बनाने को अपने अचीवमेंट मानते हैं बच्चे? बताओ मजबूरी होती है कई लोगों की मैगी खाने। तो एक काम करते हैं फिर अगली बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, मैगी के अंदर कुछ और मिलाएंगे। मैगी के अंदर नहीं, मैगी के अंदर ना तुम एक बार कोशिश करना मैगी मसाला डाल के देखना। हाँ, सिर्फ क्या बताओ, और सिर्फ पानी डाल दो और वो दो मिनट बॉईल करने के बाद डाल दो, मैगी अच्छी बन जाएगी। हाँ, लेकिन ये जो मैगी के साथ चमत्कार कर रहे हैं आजकल लोग, फैंटा डाल दे रहे हैं, कोका कोला डाल दे रहे हैं, और क्या पनीर डाल दे रहे हैं उसमें, जो जो पनीर होता है। पनीर तो क्या बात करते, बताओ पनीर तो अच्छा लगता है यार। अच्छा तो बहुत कुछ लगता नहीं है। मतलब ये जो अच्छा मेरिंडा नहीं, मेरिंडा कोका कोला नहीं, किसी दिन एक्सपेरिमेंट होगा, मीठी लस्सी डालेंगे मैगी के अंदर। मीठी लस्सी को गैस के अंदर उबालेंगे। मेरी किडनी में हार्ट अटैक आ गया। देखिए दोस्तों बीमारियां कितनी बढ़ चुकी हैं, किडनी में हार्ट अटैक, किडनियों में हार्ट अटैक हो रहा है, हाथ पेट के ऊपर है। एक खीर फेमस हुई थी, एक किडनी मैगी फेमस होगी लस्सी वाली। हाँ तो जी मैं कहना चाहूंगा कोई बंदा हो तो तो मैं कहना चाहूंगा कोई बंदा हो तो वो मैगी लस्सी वाली मैगी ट्राई करके दिखाए। हम नहीं खाएंगे, पहले आप खा के बताना कैसी है। पंजाब में स्वागत है आपका। पंजाबी लस्सी आगे जवान की जवान की जवान। देखिए अभी चलते बात करते पंजाब के नौजवान से। आप पास आउट होते हैं? जी 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 जी। लगता मैनू बहुत चंगा लग दिया सी। लग दिया सी। कृपया पंजाबी अपने कैमरे बंद कर दे भाई साहब, क्योंकि गंदी पंजाबी बोली जा रही है, क्योंकि गंदी मैगी खाई है। नहीं मैगी अच्छी थी। इंसान गंदा है, इंसान बहुत बढ़िया है। सारे भरावा नु सत श्रीकाल हाल, और प्राचियां नु उन्हें भी होना नहीं। पीटी सी पंजाबी स्वागत है ना, और पंजाबी में बीटीसी पंजाबी जवान है, कॉलेज तो पास आउट है, टैलेंट शोकेस करेंगे, अपना टैलेंट शोकेस करेंगे, टैलेंट शोकेस। देखिए पंजाबी में खांसी सीखनी हो तो इनसे सीखिए कैसे खांसते हैं पंजाबी। बल्ले बहुत हो गया, वरना पंजाब के कितने खड़े हैं। मस्त ठंड हो रही है, मस्त ठंड, और इतनी ठंड में चाय पीने का मन कर रहा है मेरे को, तो लग रहा है तेरे भैया लकड़ी तोड़ रहे हैं आग जलाने के लिए, आग जलाने के लिए। तो लकड़ियां यहाँ पे भी बहुत सारी पड़ी है, और तसला भी पड़ा हुआ है, घर भी है लोगों के, जला दो तो जला देते हैं हम। वैसे यार हम सोच रहे हैं कि मकबैंग चैनल एक नया चालू करने के लिए, तो एक फ्रंट स्क्रीन कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। तो मकबैंग चैनल चालू करने का क्या विचार है? अच्छा विचार है, पहले मुझे बताओ ये होता क्या। मकबैंगर वो होते हैं जो फूड खाते हैं सबके सामने भर भर के। बहुत आसान काम लग रहा है, सोचा मकबैंग के चैनल के बारे में, और ये डाइटिंग करना चाह रहे हैं इसके। नहीं देखो ये काम होगा कभी जब फुर्सत होगी, ये थोड़ी कि रोज रोज खा रहे हम। फुर्सत तो आपने देखी होगी, भाई साहब ने चाय पी है अगले दिन ही उस बेचारे की बात तो सही। नहीं वो दुकान ही बंद हो गई। नहीं वो मैंने बाद में देखा कि वो बंदा, इसको तो कोई बुलाएगा भी नहीं। उस बंदे ने भाई उससे मैंने पूछा, वो 12-1 बजे आता है, 12-1 बजे वो खड़ा होता है वहाँ पे। तू कह रहा था हटा, मेरे को लगा, नहीं मेरे को लगा एक दिन जल्दी खड़ा हो गया था, तो मेरे को लगा अभी। अच्छा मेरी बात अनसुनी कर दी, चलो ठीक है अंदर चलते। अरे आप मैसेज देने वाले थे। हाँ मैसेज, ठीक है मैसेज हम दे सकते हैं। तो मैसेज मेरी तरफ से यही है कि ज्यादा रूठा मत करो लोगों से कोई भी। तो क्या ना कि हम अगर रूठ गए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, नहीं मार भी जाएंगे, मार जाते हैं। एक बार मुझे गुस्सा आ गया ना, एक बार अगर गुस्सा आ गया ना मेरे को,
थोड़ा खत्म नहीं हुआ, सबको जनता को एक संदेश दे दिया जाए कि ज्यादा रूठा उठा मत, किसी से भी मत रूठा करो यार लोगों से, क्योंकि किसी से भी मत रूठा करो, क्योंकि सिचुएशन जिसकी भी जैसी भी हो बस खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि हर सिचुएशन में खुश रहना चाहिए। ये तो बीप हो जाएगा, ये तो बाय बाय।